नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम जब हमने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर टॉपिक एनालिसिस किया था वो था आपका 10 फरवरी तक का। उसके बाद हमने करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं किया था और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स एनालिसिस करने वाले हैं वो टॉपिक आपका होगा 1 मार्च से लेके 25 मार्च 2021 तक के। इस बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आपका जो 11 फरवरी से लेकर आपका 28 फरवरी तक के जो टॉपिक्स बच गए हैं या फिर जिसका हमने एनालिसिस नहीं किया है उसको हम आने वाले समय में एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होगा, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आज के इस वीडियो में हम 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद एक वीडियो में आपका जो 11 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा इस सीरीज का वीकली सीरीज चलता है उसे हम वापस से कंटिन्यू कर लेंगे। तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर जो है वो वीकली कंटिन्यू हो चुका है, जो हमने पीछे छोड़ा था उसे हमने कवर कर लिया है और अब इसे भी हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और जितना जल्दी हो सके इसे भी पूरी तरह से कवर कर लेंगे। क्लियर है, चलिए शुरू करें। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगा यहाँ से, यानी कि टेलीग्राम चैनल से। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़कर टेलीग्राम से जुड़कर आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपने हाल फिलहाल के न्यूज में भी सुना होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली सरकार को लेकर एक बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में। इस बिल का नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021, जिसे कि लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा भी पास कर दिया गया है ध्वनि मत से और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल जो है कानून बन जाएगा। तो क्या कहता है यह बिल, सरकार के पक्ष क्या है, दिल्ली सरकार के कंसर्न्स क्या है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा कि 24 मार्च 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 पास कर दिया गया, लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है और यह जो बिल है दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में अमेंड करता है, यानी कि संशोधित करता है। और इस यह जो बिल है इसके प्रोविजंस क्या क्या है, तो इस बिल के प्रोविजंस के अनुसार विधानसभा और वहां के जो एलजी हैं यानी कि उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों को संशोधित करता है। किस प्रकार से यह संशोधित करता है, तो इस बिल के अनुसार दिल्ली में सरकार का मतलब होगा एलजी। यह बिल साफ कहता है जिसपे दिल्ली सरकार को कंसर्न्स भी है कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ यहां पर सरकार बिल लेकर आई है, यानी कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ऐसा दिल्ली सरकार का जो है वो आरोप भी है। इस बिल में साफ कहा है कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। इस विधेयक के अनुसार मंत्री या मंत्रिपरिषद यानी कि दिल्ली की जो कैबिनेट है उसके निर्णय पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले, यानी कि आप मान लीजिए कि दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से कोई भी कानून बनाया जाता है, यो भी कोई भी कार्यवाही किया जाता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय प्राप्त करना जरूरी है, यानी कि किया जाना चाहिए, इस बिल में कहा गया है। उपराज्यपाल की यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो विवेकाधीन शक्तियां है, खुद से फैसले लेने की जो शक्तियां है, उसका भी विस्तार किया गया है। इस बिल में कहा गया है कि उपराज्यपाल को उन मामलों में भी विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है जहां कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानसभा को दिया गया है, यानी कि दिल्ली विधानसभा में जो भी कानून बनाया जाएगा उस कानून में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां फैसला ले सकती हैं, यानी कि इसका विस्तार किया गया है। तो कहने का मतलब यह है, पहले ही सेंटेंस में आपका क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल, यानी कि इस बिल के तहत दिल्ली की जो सरकार है उसकी शक्तियों को कम किया गया है इस बिल के अनुसार। ठीक, क्लियर है। इस घटना का कुछ बैकग्राउंड भी आपको जानना होगा।
आपने ये देख लिया कि बिल क्या है, बिल के प्रोविजंस क्या है और किस प्रकार से वहां पर उपराज्यपाल को पावर दिया गया है। अब इसके कुछ पृष्ठभूमि भी है। जैसे वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 5 जजों की बेंच थी, संवैधानिक खंडपीठ थी, इसने अपने निर्णय में कहा था दिल्ली सरकार के मामले में कि तीन क्षेत्रों को छोड़कर, तीन क्षेत्र कौन कौन से, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर अगर दिल्ली सरकार कानून बनाती है या कोई फैसला लेती है तो उपराज्यपाल सहमत हो या ना हो इसकी आवश्यकता नहीं है, दिल्ली सरकार अपना फैसला ले सकती है। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा था कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करना आवश्यक होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन यह भी कहा था कि मंत्रिपरिषद की सलाह उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगा, यानी कि मंत्रिपरिषद जो निर्णय लिया वो राज्यपाल को उसने बताया और राज्यपाल उस पर अपना फैसला देने के लिए, यानी कि उस पर सहमत होने के लिए राज्यपाल जो है बाध्यकारी है। तो ये 2018 के सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लाया गया है यह बिल, लेकिन सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए यह बिल लाया गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, दिल्ली कौन सा विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 हाल ही में रिलीज किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रॉपर्टी का वार्षिक संस्करण जो है 23 मार्च 2021 को जारी किया गया। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में, यानी कि यह जो रैंकिंग है इसका एडिशन है 9th, और इस रैंकिंग में टोटल कंट्रीज को शामिल किया गया है 53, और इसमें से भारत की जो रैंकिंग है वो 40वें स्थान पर है, यानी कि कुछ बेहतर नहीं कह सकते आप, ठीक ठाक है भारत की रैंकिंग। और यह सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा रिलीज किया जाता है। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में देखा जाता है अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पे कौन से कंट्रीज बेहतर कार्य कर रही है और कौन से कंट्रीज जो है वो बेहतर कार्य नहीं कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का वार्षिक संस्करण, इसके बाद इस रैंकिंग के अनुसार टॉप कंट्रीज की स्थिति भी देख लेते हैं। उसके बाद इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको बता दिया कि टोटल 53 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 40वीं है। ठीक, टॉप कंट्रीज क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर पहले स्थान पे है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पे, जर्मनी तीसरे, फ्रांस चौथे और जापान 5वें स्थान पे है। तो इस तरह से टॉप कंट्रीज का नाम याद रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा, इस रैंकिंग के बारे में याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। अगला टॉपिक है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हाल ही में अनाउंस कर दिया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के जो भी विजेता है उनकी घोषणा जो है 22 मार्च को कर दी गई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हर वर्ष 3 मई को आयोजित किया जाता है और उसके बाद इस पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। वर्ष 2020 में कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था, ठीक, और वर्ष 2021 में फीचर फिल्म श्रेणी में कुल 461 फिल्में और गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में कुल 220 फिल्में शामिल थी। ये डेटा याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में जान लो, जो भी विजेता है उसके लिस्ट हम आगे देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1954 में की गई थी और उस समय देश के राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सूचना प्रसारण मंत्री आपका वीबी केसकर थे। और इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को तब जो है उस समय 1954 में जब शुरू हुआ था तो राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, यानी कि कहा जाता था, ठीक है। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं जिनको इस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो फीचर फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है, मरक्कर लायन ऑफ द अरबियन सी, मलयालम फिल्म है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, मनोज वाजपेयी को, किसके लिए, भोसले को, भोसले के लिए, हिंदी फिल्म है। और मनोज वाजपेयी के साथ धनुष को भी मिला है आसुरन, जो कि एक तमिल फिल्म है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों के मिला है, मनोज वाजपेयी और धनुष, कौन कौन से फिल्म के लिए मिला है ये भी याद रखिएगा। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड कौन से फिल्म को मिला है ये भी याद रखिएगा और मलयालम फिल्म है ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को, किसके लिए, पंगा हिंदी मूवी के लिए, और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, इनके लिए जो कंगना रनौत को है वो बेस्ट
एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो क्लियर है बेस्ट फीचर फिल्म कौन से फिल्म को मिला है, कौन सी भाषा की फिल्म थी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको मिला है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 67वां फिल्म पुरस्कार है 2021 में मिला। नाम याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में, ठीक है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है यहाँ पर, बेस्ट फिल्म इन ईच लैंग्वेजेस, यानी कि सभी लैंग्वेजेस में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है छिछोरे को। हिंदी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत उसमें लीड रोल में थे। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है, स्थाई सिंधु आयोग की बैठक। आपको पता है कि सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक नदी जल समझौता है। इस आयोग की स्थायी बैठक हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई है। कब इस बैठक को आयोजित किया गया, 23 और 24 मार्च को। स्थायी सिंधु आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1960 में सिंधु नदी जल समझौते के साथ में ही हुआ था। और इस बैठक के दौरान पाकिस्तान भारत के पाकलडल और लोअर कलनई पनबिजली संयंत्रों के तकनीकी डिजाइन पर अपनी आपत्ति जताई है। और इन जो पनबिजली परियोजना है इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्थायी सिंधु आयोग का गठन कब किया गया, 1960 में किया गया, ये बात आपको याद रखना है। इस आयोग का बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया, कब कब किया गया है, 23 और 24 मार्च को। 2019 के बाद ये पहली बैठक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। 2019 और 20 में यह बैठक नहीं हुआ था। सिंधु नदी जल समझौते के बारे में आपको भी याद रखना है, यानी कि संधि के बारे में याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल समझौता है, और यह जो जल संधि है आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से ही यह जल समझौता जो है तैयार किया गया है। इसमें जो आपका सिंधु नदी बेसिन है, ऊपरी यानी कि पश्चिमी जो तीन नदियां हैं, कौन कौन सा आपका इंडस रिवर हो गया, झेलम हो गया और चिनाब, ये किसके हिस्से में है, पाकिस्तान के हिस्से में। इन तीनों नदियों का पानी का इस्तेमाल 80% आपका पाकिस्तान करेगा और 20% जो है आपका इंडिया करेगा। उसके बाद जो तीन पूर्वी नदियां हैं, कौन कौन सा, सतलज, ब्यास और रावी, इस पर जो अधिकार है वो भारत का है, ठीक है। और जब यह जल समझौता हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, दोनों के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। कब, 19 सितंबर 1960 को। कहां साइन हुआ था, कराची में हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया गया, 23 मार्च को मनाया गया। क्यों मनाया गया, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, और ये तीनों जो है 23 मार्च को शहीद हो गए थे, इसीलिए इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध नारा दिया था, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि इंकलाब नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ आपका 23 मार्च को शहीद दिवस नहीं मनाया जाता है, 23 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। किनकी याद में, महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 23 जनवरी को ही हुई थी, तो 23 जनवरी को भी आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। और 19 मई को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, तो उस शहीद दिवस का नाम क्या है, उस शहीद दिवस का नाम है भाषा शहीद दिवस। क्यों, क्योंकि बंगाली भाषा आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 15 बंगालियों की याद में आपका 19 मई को भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो अलग अलग टाइप से शहीद दिवस मनाए जाते हैं, इस चीजों को आपको याद रखना होगा शहीद दिवस से रिलेटेड। क्लियर है। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी बांग्लादेश के दौरे पर हैं, और वहां पर गांधी शांति पुरस्कार 2020 से जिन लोगों को सम्मानित किया गया, जिसे सम्मानित किया गया है वो एक बांग्लादेशी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। तो भारत सरकार ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और वर्ष 2019 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था वो ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैद को प्रदान किया गया था। तो 19 के लिए ओमान के इस दिवंगत को प्रदान किया गया था, और 20 के लिए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है।
बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान पहले राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, बाद में ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने हैं और उन्हें राष्ट्रपिता या मुजीब कहा जाता है बांग्लादेश में। याद रखिएगा, अभी बांग्लादेश के यात्रा पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो ये बहुत चर्चा में है। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है। नाम से क्लियर है कि पीस के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, जिसे कि भारत सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है और जिसके नाम पर रखा गया, उनका नाम है महात्मा गांधी। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे गांधीवादी विचारधारा को श्रद्धांजलि करने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह पुरस्कार 1995 में मोहनदास करमचंद गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें 1 करोड़ रुपए नगद दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका यानी कि एक चिन्ह भी जो है वो प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा वर्ष 2020 का गांधी पुरस्कार के बारे में रखिएगा। वर्ष 2019 में किसे दिया गया यह भी आपको याद रखना है। एक कैंपेन है, यह भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में शुरू किया गया है, जिसका नाम है कैच द रेन। नाम से क्लियर है कि वर्षा के जल को एकत्रित करने के नाम से इस कैंपेन को शुरू किया गया है। कौन से मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है? तो मंत्रालय का नाम है आपका जल शक्ति मंत्रालय। इस मंत्रालय की तरफ से जो है इस कैंपेन को शुरू किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय का कैंपेन है। कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च से विश्व जल दिवस के अवसर पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसी दिन जल शक्ति अभियान कैच द रेन लॉन्च किया गया। यह अभियान देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। यह कैंपेन कब से कब तक चलेगा? तो 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा। और इस अभियान की जो टैगलाइन है, वो टैगलाइन रखा गया है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी कि वर्षा के जल को पकड़ो चाहे जहां भी गिरे और जहां भी एकत्रित हो। तो उस जगह से वर्षा के जल को संचित करने के लिए यानी कि एकत्रित करने के लिए आप कह सकते हो कि इस कैंपेन को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया। इसको एडॉप्ट कब किया गया था? 28 नवंबर 2012 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2013 को पहली बार मनाया गया था। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस क्यों मनाया जाता है और इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो आपका नॉर्थ पोल है उसमें वसंत विषुद्ध और जो आपका साउथ गोलार्ध है उसमें शरद ऋतु विषुभ होता है यानी कि आगमन होता है। इसीलिए जो है 21 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि मार्च में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मार्च में मैंने दो इंटरनेशनल डे बताया, 21 मार्च को क्या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 22 मार्च को क्या तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको और बता रहा हूँ, वो भी याद रखिएगा। आपका 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय कह लीजिए गौरैया दिवस यानी कि स्पैरो, गौरैया दिवस यानी कि स्पैरो डे। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि 20 मार्च को ही और क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रसन्नता दिवस से रिलेटेड हम आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो मार्च में मनाए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है ग्राम उजाला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, स्कीम से रिलेटेड है। तो भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला स्कीम लॉन्च की है। कब लॉन्च किया गया है ग्राम उजाला योजना? डेट याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 मार्च को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सस्ती कीमत पे एलईडी बल्ब देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ग्राम उजाला योजना जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे एलईडी बल्ब को वितरित करने हेतु, प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। यह भारत में इस तरह की पहली योजना है और इन क्षेत्रों में 10 रुपए में एलईडी बल्ब जो है वो प्रदान किया जाएगा। कितने में? मात्र 10 रुपए में। तो याद रखिएगा,
और इस योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायता से कंपनी कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा बल्बों की पेशकश की जाती है, यानी कि इनके द्वारा बल्ब बनाया जाएगा और इनके द्वारा ही बल्ब जो है वो वितरित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपए में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? तो 19 मार्च 2021 को की गई है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ध्यान रखिएगा। अभी इस योजना का पहला चरण है और इस योजना को पहले चरण में कहां से शुरू किया गया है? तो बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया है। और इस चरण में कौन कौन से राज्य को, कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया है? तो आरा बिहार, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम गुजरात के गांवों में लगभग 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे फर्स्ट फेज में, ये याद रखिएगा। और एलईडी बल्ब से रिलेटेड ही एक बहुत ही फेमस स्कीम वर्ष 2014 में भी शुरू किया गया था। उस स्कीम का नाम क्या था? उजाला स्कीम, मतलब कि उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल, इसका फुल फॉर्म है उजाला का। और इस योजना को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना के द्वारा एलईडी बल्ब की कीमतों में लगभग 310 रुपए से 70 रुपए प्रति पीस के हिसाब से कटौती की गई थी। तो ये भी एक एलईडी बल्ब से ही रिलेटेड योजना था, लेकिन इसके अलग स्पेसिफिकेशन थे, इसके अलग प्रोविजंस थे और ग्राम उजाला योजना के अलग प्रोविजंस थे। तो दोनों स्कीम के बारे में आप यहां पर याद रखिएगा, हो सके तो आप कहीं मेंस में वैल्यू एडिशन कर सकते हो तो भी करना, और वनडे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। कई बार कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और अभी जैसे हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में पढ़ा, कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। क्या? विश्व प्रसन्नता दिवस, ठीक है। चलिए तो इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। 2021 का यह रिपोर्ट अभी प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में 3 पैरामीटर्स होते हैं, जो कि जीवन मूल्यांकन यानी कि लाइफ इवैल्यूएशन, सकारात्मक मनोभाव यानी कि पॉजिटिव इमोशंस और नकारात्मक मनोभाव यानी कि नेगेटिव इमोशंस पर निर्भर होकर व्यक्ति कल्याण की जो पैरामीटर्स हैं उसे मापती है। इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर जीवन का मूल्यांकन देखा जाता है। उसके बाद सकारात्मक मनोभाव देखा जाता है कि वहां का जीवन यापन करने के लोग की जो सकारात्मक मनोभाव है वो किस प्रकार से, नकारात्मक मनोभाव किस प्रकार से। तो इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर उन कंट्रीज का मापन किया जाता है कि प्रसन्नता वहां किस प्रकार से है, लोगों को खुश रहने का जो तरीका है वो किस प्रकार से, कितने लोग खुश रहते हैं, कितने लोग नहीं रहते हैं। इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। फिनलैंड, पिछले साल भी फिनलैंड पहले नंबर पे था और दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इन तीनों पैरामीटर को फुलफिल करने वाला फिनलैंड जो है सबसे टॉप कंट्रीज है, यानी कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड इस रैंकिंग में ऊपर की रैंकिंग में आ जाते हैं। जैसे डेनमार्क जो है वो दूसरे, आइसलैंड जो है तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे और नीदरलैंड 5वें स्थान पे है। इसके बाद भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत 149 देशों में, यानी कि इस रैंकिंग में जो है 149 देशों को शामिल किया गया है और भारत की जो रैंकिंग है 139 है, यानी कि भारत के लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में रहते हैं, ना खुश रहते हैं या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो 149 कंट्रीज में 139 रैंक जो है वो भारत की है। और अगर आप भारत के पड़ोसी कंट्रीज की बात कर लोगे तो भारत से ऊपर ही आते हैं, ठीक। और भारत पिछले वर्ष 156 देशों में जो है 144वें स्थान पे था, यानी कि पिछले वर्ष और भी बुरी स्थिति थी। वर्ष 2021 में भारत से पीछे रहने वाले देशों की अगर सूची देखें तो उसमें बुरंडी आ जाता है, यमन आ जाता है, तंजानिया, हैती, मलावी, लोसोथो, बोत्सवाना, रवांडा, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान। सबसे लास्ट यानी कि सबसे कम खुश देश जो है, जहाँ के लोग बहुत दुखी रहते हैं, वो है अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश देख लो, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब की जो रैंकिंग है, या फिर चीन, भारत से आगे है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अगला, पोषण पखवाड़ा 2021 किसके द्वारा पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा 16 मार्च से 31 मार्च 2021 तक
पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पोषण पखवाड़ा हेतु ये नोडल एजेंसी है। क्लियर है, दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में याद रखना, इस पखवाड़ा को चलाने के लिए ये नोडल एजेंसी है। कब से कब तक चलाया गया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 16 मार्च से आपका 31 मार्च तक। और इस पखवाड़े के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में खाद्य वानिकी का उपयोग करने, पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, यानी कि माल न्यूट्रिशन और एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, लोगों को पोषित करने के लिए पोषण पखवाड़ा चलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह भी याद रखिएगा पोषण अभियान, क्योंकि पोषण अभियान के तहत ही सब कुछ चलाया जा रहा है, चाहे पोषण माह हो चाहे पोषण पखवाड़ा हो, ये सब किसके अंडर चलाया जा रहा है, पोषण अभियान के तहत। तो पोषण अभियान की शुरुआत भारत में कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरू की गई थी। कहां से की गई थी ये भी याद रखिएगा, तो राजस्थान के झुंझुनू इलाके से इस कैंपेन को शुरू किया गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि वर्ष 2020 में पोषण माह कौन से माह में मनाया गया, तो सितंबर का जो महीना है वो भारत सरकार की तरफ से पोषण माह के रूप में मनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है पोषण पखवाड़ा के बारे में, पोषण अभियान के बारे में और पोषण माह के बारे में, और कौन सा एजेंसी द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इनकी नोडल एजेंसी कौन सी है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। क्लियर, अगला टॉपिक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में है। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक अपॉइंट किने किया गया है, तो अजय माथुर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और इन्हें जो है उपेंद्र त्रिपाठी के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। उपेंद्र त्रिपाठी को वर्ष 2017 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है, चूंकि इनका कार्यकाल 4 वर्षों का था और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्षों का ही होता है, तो अब ये रिटायर हो गया और इनकी जगह पे अजय माथुर को जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। क्या है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट चेंज के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांसवा ओलांद के बीच में एक प्रस्ताव रखा गया था, और भारत और फ्रांस की मदद से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था। इस गठबंधन का यानी कि इस अलायंस का उद्घाटन 2016 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, और वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 121। आखिरी कंट्रीज कौन सा शामिल हुआ, तो आखिरी कंट्री जो है आपका इसमें इटली शामिल हुआ है, और इसका मुख्यालय, ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय भारत में है, और भारत में कहां, तो आपका हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के उद्देश्य से सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इस अलायंस का गठन किया गया है। ये कुछ आप रिपोर्ट्स देख सकते हो यहां पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंट्रीज के जितने भी अभी मेंबर हैं, 73% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है ग्लोबल पॉपुलेशन इस अलायंस में है, और अगर अभी आप देखोगे तो इस अलायंस में 121 कंट्री हो चुके हैं, और ये रिपोर्ट लगभग 2018-19 का है, तो अभी ये बढ़ भी गया होगा। और टोटल वर्ल्ड का अगर आप जीडीपी देखोगे तो इस अलायंस में 36% तक जीडीपी है। 55% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन वर्ल्ड वाइड इसके द्वारा किया जाता है, यानी कि इस अलायंस के द्वारा, और 23% जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है अभी इस अलायंस के पास में है, और ये बढ़कर जो है लगभग 30% तक हो चुका है। और सोलर अलायंस के क्षेत्र में सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस अलायंस की तरफ से बहुत सारी जो मुहिम है वो किया जा रहा है, और विभिन्न कंट्रीज को, इसके सदस्य देशों को सपोर्ट भी दिया जा रहा है। अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा खुश करने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी फिर से घोषित किया गया है, और ये बार बार हो रहा है। स्विस समूह है AQAR जो कि PM2.5 नामक फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले हवाई कणों के लिए एकाग्रता के आधार पर वायु की गुणवत्ता को मापता है, और उस गुणवत्ता के आधार पर पूरी दुनिया का रैंकिंग जारी करता है, और इसने हाल ही में वर्ष 2020 का वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की राजधानी नई दिल्ली वर्ष 2020 में लगभग तीसरे वर्ष की लगातार तीसरे वर्ष जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बना हुआ है। 2019
2019 में भी, 2018 में भी और 2017 में भी दुनिया का सबसे एयर क्वालिटी के मामले में सबसे प्रदूषित शहर आपका यानी कि राजधानी नई दिल्ली है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 प्रदूषित शहर भारत में ही है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगर आप वर्ल्ड वाइज कैपिटल्स की बात करोगे तो दिल्ली पहले स्थान पे है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी दूसरे स्थान पे है और मंगोलिया की राजधानी उलान बतर जो है वो आपका तीसरे स्थान पे है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड की रैंकिंग अगर आप देखोगे तो होटान चाइना का पहले स्थान पे है। उसके बाद टॉप 10 में जो 9 शहर हैं वो भारत के हैं, गाजियाबाद आ गया, बुलंदशहर आ गया, बिसराख आ गया, भिलवाड़ा आ गया, नोएडा आ गया, ग्रेटर नोएडा आ गया, कानपुर आ गया, लखनऊ आ गया, दिल्ली आ गया। यानी कि पूरी दुनिया में जो टॉप 10 में सबसे प्रदूषित शहर है एयर क्वालिटी के मामले में, उसमें से टॉप 1 को छोड़ दे तो टॉप 1 चीन का है और नीचे का जो 9 है वो भारत का है। इस इमेज को आप अच्छे से देख लेना, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इसमें सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से दिख जाएंगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। इसरो ने हाल ही में एक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है। उस साउंडिंग रॉकेट का नाम है RH-560। याद रखिएगा क्या है यह रॉकेट, इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 12 मार्च 2021 को RH-560 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनेमिक्स और एटीट्यूडनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए इस रॉकेट को लॉन्च किया गया, यानी कि समुद्री तट पर हवाओं की स्थिति किस प्रकार से, वहां पर प्लाज्मा डायनेमिक्स किस प्रकार से है, एटीट्यूडनल वेरिएशन क्या है, यानी कि वहां की मौसम की स्थिति का पता लगाने के लिए यह जो है साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम है RH-560 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और इस तरह का रॉकेट इसरो जो है खुद से बनाकर पहली बार 1965 में लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट में किसी प्रकार का कोई सैटेलाइट नहीं होता है, बस इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। इस रॉकेट में ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि तटस्थ क्षेत्रों पर यानी कि समुद्री क्षेत्रों पर यहां पर प्लाज्मा डायनेमिक्स या फिर यहां के जो मौसम है उसका अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया जाता है। क्लियर है, चलिए अगला टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स ने 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा कर दी है और यह पुरस्कार राजनीतिज्ञ लेखक एम वीरप्पन मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 लेखकों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और जो 20 लोग हैं उनके अलावा किस प्रकार से हैं ये लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सबको मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो और पीडीएफ से आप लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सभी के नाम को पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से उपलब्धि के लिए या फिर कौन कौन से लेख के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। हाँ, यहाँ पर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जरूर देखेंगे। यह भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है, यह साहित्य अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जो है साहित्य योग्यता के सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है जो कि हिंदी, अंग्रेजी और संविधान की 22वीं अनुसूची और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और इस तरह से टोटल 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है, उन्हें यह जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेताओं को जो है तांबे की एक पट्टिका दिया जाता है, साल दिया जाता है और 1,00,000 रुपए की नगद राशि भी प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो इनका नाम है मिताली राज, जो कि भारतीय टीम की अभी कैप्टन है। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाए और ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। मिताली ने लखनऊ में अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एक दिवसीय यानी कि ओडीआई मैच में इस उपलब्धि को हासिल किया और इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स ऐसी पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। तो पहली भी याद रखना वर्ल्ड की और भारत की भी पहली आप याद रखना। मिताली राज ने टोटल 212 ओडीआई खेले हैं और इसमें से 50 यानी कि 50 ओवर का प्रारूप और इसमें से 7 शतक और 54 यानी कि 54 हाफ सेंचुरी भी इन्होंने लगाया है। क्लियर, अगला टॉपिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के बारे में है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हाल ही में जापान के द्वारा बनाया गया है और इस कंप्यूटर को किसने बनाया है, तो रिकेन और
फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था है, इसके द्वारा बनाया गया है। 6 साल की कड़ी मेहनत लगी है और इस कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। याद रखिएगा कंप्यूटर का नाम क्या है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो फुगाकू। किसके द्वारा विकसित किया गया, तो जापान के द्वारा, और जापान की किन कंपनियों के द्वारा, रिकेन और फुजित्सु के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कहा जा रहा है। इस सुपर कंप्यूटर को जापान के कंप्यूटरीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर कोर बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। और इसका अगर और ऑब्जेक्टिव देखें तो अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी 5.0 बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को स्थापित करना है, यानी कि जापान की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और उसे बूस्ट करने के लिए इस सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया है 6 साल में। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड से रिलेटेड एक शिखर सम्मेलन है, जिसमें 4 देश है। 4 देश कौन कौन सा है, इसमें आपका USA है, इसमें आपका इंडिया है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है और इसमें आपका जापान है। ये 4 देशों का एक समूह है जिसका नाम है क्वाड, और इसका हाल ही में वर्चुअली शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कब किया गया, 12 मार्च 2021 को, जिसमें हिस्सा कौन कौन लिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। और इस क्वाड के पहले नेताओं के शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया गया है, ठीक है। इसका अगर क्वाड के बारे में आप देखोगे, और इस बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर बात की गई, जैसे क्लाइमेट चेंज पर बात किया गया, सिक्योरिटी पर बात किया गया, आपका COVID-19 के सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सके, इन सारे मुद्दों पर बात किया गया, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बात किया गया है इन चारों कंट्रीज के जो है प्रतिनिधित्व के द्वारा। तो इसका अगर हिंदी नाम देखोगे, क्वाड का मतलब है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, यानी कि यह एक सिक्योरिटी से संबंधित जो है समूह है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच। और इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे क्वाड का, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है, और इसे एशियाई का नाटो के रूप में भी देखा जाता है। नाटो का मतलब आपको पता है ना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाटो की स्थापना की गई थी ताकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच किसी भी प्रकार से कोई झड़प ना हो, और अगर बाहरी इनके सहयोगी देशों पर आक्रमण करता है तो ये साथ मिलकर उसकी रक्षा करें, इसलिए नाटो की स्थापना की गई थी और इसे एशियाई का नाटो कहा जाता है। और नाटो में लगभग 28 कंट्री हैं और क्वाड में 4 कंट्री हैं, ताकि चाइना जैसे उभरती हुई ताकत को काउंटर किया जा सके। और यह अर्धनियमित शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, अर्धनियमित मतलब कि यह पूरी तरह से नियमित नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और यह 2007 में इसका गठन किया गया था क्वाड का, तत्कालीन जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा। तो क्वाड के बारे में भी आपको इतनी बातों को याद रखना है, क्लियर। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी सीरीज के जितने भी पनडुब्बी हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। तो भारतीय नौसेना ने 10 मार्च 2021 को INS करंज नामक तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को नौसेना में शामिल कर दिया गया है, और यह 6 कलवरीय श्रेणी की पनडुब्बी के पहले बैच की तीसरी पनडुब्बी है। अब यहां पर समझिए, स्कॉर्पियन श्रेणी में टोटल 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है, उसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 75, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। और स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी में एक श्रेणी है आपका कलवरी श्रेणी, और इस कलवरी श्रेणी के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से ये तीसरी पनडुब्बी का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है, INS करंज, ठीक है। और यह फ्रांसीसी नेवल समूह द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। याद रखिएगा, निर्मित किसके द्वारा किया गया, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि भारत की कंपनी की है, और डिजाइन किसके द्वारा गया है, किया गया है, तो फ्रांसीसी नेवल समूह द्वारा, ठीक। चलिए अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। INS करंज, जैसे मैंने बोला, 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का हिस्सा है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही है। इसका निर्माण कहां किया गया, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत INS कलवरी नामक श्रेणी की पहली पनडुब्बी जो है दिसंबर 2017 के महीने में चालू की गई थी। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 श्रेणियों को डेवलप किया जा रहा है। तो पहला श्रेणी दिसंबर 2017 में, INS खंडेरी नामक दूसरी पनडुब्बी को सितंबर 2019 के महीने में कमीशन किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। मई 2019 में चौथी पनडुब्बी INS
वेला कमीशन को लॉन्च किया गया था और नवंबर 2020 के महीने में वागीर नामक पांचवी पंडुवी को कमीशन किया गया था, छठवीं अभी आना बाकी है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कलवरी को, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो INS कलवरी है ये 2017 में इसका पहला लॉन्च किया गया था और INS कलवरी के तहत ही जो INS करंज है वो लॉन्च किया गया है। तो आप समझ गए होंगे यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 6 श्रेणी का नाम है INS कलवरी, दूसरा का नाम है आपका INS खंडेरी और उसके बाद पनडुब्बी INS वेला और INS वगीर। अब यहां पर कलवरी के तहत अलग अलग पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है जिसमें एक सीरीज किसका है, INS करंज का। तो INS कलवरी के तहत उसकी तीसरी पनडुब्बी हाल ही में INS करंज को लॉन्च किया गया है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, पीएम मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है, एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है मैत्री सेतु और इस ब्रिज का निर्माण कहां किया गया है, तो आपका त्रिपुरा राज्य में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच एक पुल का निर्माण किया है जिसका नाम है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु एक पुल है जिसे कि फेनी नदी पर बनाया गया है, फेनी नदी त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के मध्य बहती है। दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए, ट्रेड को और मजबूत करने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रतीक के नाम से इस मैत्री सेतु का नाम रखा गया है। इस पुल का निर्माण जो है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और यह 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो कि भारत के सबलूरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो मैत्री सेतु के बारे में याद रखिएगा, कौन सी नदी पर बनाया गया है, कौन से राज्य में बनाया गया है, किन दो देशों के बीच में बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, कौन कौन से जगह को जोड़ने के लिए बनाया गया है, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज किया गया है। देखा जाता है इस इंडेक्स के अनुसार कि भारत के कौन से शहर में रहने के लिए किस प्रकार की सुविधा अवेलेबल है, सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, कितना आसान वहां के लोगों का जीवन है, इन सब के आधार पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार किया जाता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसमें दो तरह की कैटेगरी रखा गया है, एक कैटेगरी वह है जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है और दूसरी कैटेगरी वह है कि जिन शहरों की आबादी 10 लाख से कम है और इसी के आधार पर ये रैंकिंग रिलीज की गई। और इस मूल्यांकन में यानी कि इस सूचकांक में भारत के कुल 111 शहरों को जो है वो शामिल किया गया है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में अगर आप देखोगे तो पहले नंबर पे 66.70 स्कोर के साथ बेंगलुरु पहले स्थान पे है, पुणे दूसरे स्थान पे है, अहमदाबाद तीसरे स्थान पे है, चेन्नई चौथे स्थान पे है, सूरत आपका पांचवें स्थान पे है। और अगर नीचे से कंट्रीज को देखोगे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में तो धनबाद बदेल और आपका श्रीनगर का नंबर आता है। और अगर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की सूची में टॉप पर देखोगे तो 60.90 स्कोर के साथ शिमला आपका पहले नंबर पे, भुवनेश्वर दूसरे और सिलवासा तीसरे और काकिंडा जो है आपका चौथे और सलेम जो है आपका पांचवें नंबर पर आ जाता है। और नीचे से अगर आप देखोगे तो बिहार का मुजफ्फरपुर जो है वो लास्ट नंबर पे आता है। तो इस तरह से आपको इन कंट्रीज के नाम याद रखे हैं, सारे सिटीज का नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आप जो है PDF डाउनलोड कर लोगे तो ये सारे सिटीज के नाम आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है उन सब को हमने एनालिसिस कर लिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है क्योंकि लगभग 25 दिनों का करंट अफेयर था और इसके बाद नेशनल करंट अफेयर हमारा वीकली चलेगा। और हाँ, 11 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जितने टॉपिक्स बचे हुए हैं उसे हम एक लेक्चर में जरूर कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसके बाद वीकली सीरीज चालू हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का भी और आपका नेशनल और इंटरनेशनल का भी। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर अगर विजिबल कुछ पॉइंट्स नहीं हुए तो PDF डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें विजिबल हो जाएगा, 24 घंटे के बाद अपलोड कर दिया जाएगा आप पर टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।
CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।